खबर आगरा से, जहां पर सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी हेत सिंह को गोली लगी और दो साथी, हालांकि आरोपी के जो मौके से फरार होने में कामयाब हुए। खनन माफियाओं ने सिपाही की हत्या को अंजाम दिया था। ट्रैक्टर से कुचलकर सिपाही की हत्या की गई थी और अब मुख्य आरोपी जो है उस मामले का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हेत सिंह मुख्य आरोपी, सिपाही की हत्या करने वाला, जिसे पुलिस ने आखिरकार मुठभेड़ में धर दबोचा है। खनन माफिया है हेत सिंह, जिसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। तो थाना सैया क्षेत्र में पट्टी पुल के नीचे ये मुठभेड़ हुई, जहां मुख्य आरोपी और उसके दो साथी मौजूद थे कि इसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और गोली लगी हेत सिंह को, जिसके बाद वो घायल हो गया, लेकिन मौके से उसके दो साथी फरार होने में कामयाब हुए। तो खनन माफिया, जिनको रोकने की कोशिश की गई थी सिपाही के जरिए, लेकिन सिपाही पर ही ट्रैक्टर को चढ़ा दिया गया था और तब से ही लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, मुख्य आरोपी हेत सिंह की, और आखिरकार कामयाबी अब मिल गई है। और शिव चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिव, कैसे ये कामयाबी हासिल हुई पुलिस को? 8 नवंबर को सिपाही सोनू चौधरी की थाना खेरागढ़ इलाके में ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की थी। सोनू चौधरी को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं और तभी जब रोकने का प्रयास किया ट्रैक्टर को, तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। तभी से पुलिस मुख्य आरोपी हेत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई थी और आज देर रात इसको सफलता हासिल हुई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि हेत सिंह भरतपुर जाने की फिराक में था अपने दो साथियों को लेकर। सैया इलाके में पुलिस ने उनको घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद हेत सिंह और हेत सिंह के साथी जो थे, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए उन लोगों को घेराबंदी की, जिसमें हेत सिंह के पैरों में दो गोली लगी। बाकी दो साथी जो थे वो भागने में सफल हुए, लेकिन हेत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि जो खनन कर रहे थे, इन लोगों में कौन कौन लोग शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद फिलहाल आपका शिव, हमारे साथ जुड़ने के लिए।